नमस्ते नमस्ते भगवान। ठीक ठाक छो पछाण ल? अरे कोठा नि बजा में से आज दिलो तुम हुई था। धन्यवाद डेली दी कना लग दी कना लग दी बढ़िया लग दी। तू गोटा में बोले ना सो सो बढ़िया लग दी। अच्छा नवीन भैया हमारे फुर्तीले मिजाज के हैं बहुत ही भाई। जब भी देखो इनके अंदर बहुत ही फुर्ती रहती है। तो चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं फिर आपसे। यहाँ पर ताई जी ने मुझे भी ककड़ियाँ दी दी हैं। ताई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलता सो तब। हाँ ये रही हमारी दीदी जी सोनी दीदी। यहाँ पर रही हमारी दीदी जी, ये देखिए भाई मिली हमारी दीदी। और दीदी जी क्या कर रहे हो? बस बोला कुछ ना, क्या कारण? धुआं मिला। अच्छा दूध निकाल रहे हो आप? नमस्ते मौसी। बस क्या पता बंडे कौन जा रही में बंडे। चल दूर तो शाम के बज गए हैं 5 और आज मेरा जाना हो रहा है फेसिल लोदली गांव में। तो चलिए आपको फेसिल ले चलते हैं आज लोदली गांव की तरफ। तो बने रहेगा ब्लॉग में। और यहां पर हमें हमारे नाम के छात्र मम्मी नवीन, नवीन भैया मिल चुके हैं। नवीन भैया की दौड़ किधर को हो रही है? अच्छा बढ़िया है। नवीन भैया हमारे फुर्तीले मिजाज के हैं बहुत ही भाई। जब भी देखो इनके अंदर बहुत ही फुर्ती रहती है। तो चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं फिर आपसे। तो सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने बीरखाल ब्लॉग के खूबसूरत से गांव लोदली गांव से। और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम फर्स्ट क्लास है। और आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है शाम के 5 बजे से। और आज मेरी दौड़ हो रही है लोदली गाँव में। तो चलिए आप लोग भी बने रहेगा ब्लॉग में। नमस्ते मौसी। हाँ तुम ठीक छो? बहुत बहुत बधाई हो दादी बन गयो। और कने होनी दौड़? मैं बात करा अभी मीटिंग में सहयोग था। हां अभी आओ सुनो मैं अभी तू पूरा घास नहीं होगा कटम बन गयो घास ना। अभी निकालना चाहिए, अभी निकालना चाहिए एक भी। चलो बढ़िया चे। और यहाँ पर हमारी दीदी जी भी मिले हैं मुझे, जो कि धुआं के कारण आपको नजर नहीं आएंगे। हैं यहाँ पर रही हमारी दीदी जी, ये देखिए भाई मिली हमारी दीदी। और दीदी जी क्या कर रहे हो? बस बोला कुछ ना, क्या कारण? धुआं मिला। अच्छा दूध निकाल रहे हो आप? और धुआं लगा दिया है ताकि मच्छर मक्खियां ना काटे हैं। चलो बढ़िया कर रखा है आपने। तो आजकल सब जगह ऐसे ही मिर्चों को सुखाने पे लगे हैं। नमस्ते। और ठीक ठाक छो? हाँ आज बस ही नहीं था क्या? नमस्ते। हाँ ठीक ठाक बस एक ही था कभी छू। तो ये देखिए भाई लोदली गांव में भी काफी मिर्चें हो रखी है, गठरी गठरी बना रखी है। और नमस्ते नमस्ते, ठीक ठाक छो? ये देखिए सब सुखाने के लिए रखिए। तो खूब ही जमाला मर जाना। चलो बढ़िया चल। रास्ते भी खतरनाक है इधर से, ये देखिए भाई पहाड़ों में कुछ ऐसे भी होते हैं। तो चलिए नमस्ते दी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ठीक ठाक छो? चलो नमस्ते दी। ठीक ठाक छो? और क्यों होनो चा घास कटे भी गई? अच्छा हेलो 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 हेलो। ठीक ठाक छो? आज ही नहीं आई हूँ मैं, गुमदा गमदा। नमस्ते। तो इधर हम काफी नीचे आ चुके हैं और इधर साइड को है इनकी गौशालाएं। तो इधर आप देखेंगे तो घास के कारण तो पूरी दब भी चुकी है गौशालाएं, नजर भी नहीं आ रही कि इधर गौशालाएं हैं। बाकी इधर रही भैया लोगों की गौशाला। तो चलिए आज करेंगे इधर ही कृत्रिम गर्भाधान। यहाँ पर आप सीढ़ियाँ देखेंगे तो भाई खतरनाक निकाल रही है। पुराने जमाने में कुछ ऐसी ही रहती थी, तो अभी भी ये वैसे का वैसा ही है। तो ऐसे पत्थरों के सहायता से चलते हैं ऊपर को, तो यही बना रखे हैं सीढ़ी नुमा, ये देखिए। बाकी छोटे छोटे से कमरे ऊपर भी हैं। हाँ घास को स्टोर करने के लिए यहाँ। और भी सूखी घास चल रही है भाई? अच्छा पिछले साल अच्छा ये हम खुराक जा रहा था सूख घास हम। चलो ठीक है। Oh.
बाकी अभी तो फिलहाल सन्नाटा सा हो रखा है गांव में, क्योंकि आजकल अब लोग खेतों की तरफ जा रखे हैं। और एक गाय यहाँ पर और आ गई है, तो इस पे भी करेंगे अभी हम कृत्रिम गर्भाधान। कने प्राण मिला अच्छा। नमस्ते बोड़ी। नमस्ते बा, नमस्ते आपसे नहीं बड़े झूल। हाँ, यहाँ पर ताई जी ने मुझे भी ककड़ियाँ दी दी है, ताई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलता सो तब। हाँ, ये रही हमारी दीदी जी, सोनी दीदी, हमारे भरपूर गांव की हैं। यहाँ तो मुझे वापिस आना पड़ रहा है ककड़ियों के लिए। हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई मेरे लिए ना लोधरी गांव में ही भयंकर रात हो गई है, तो आजकल तो बाघ भूख का भी डर है, तो मुझे टाइम से पहुंचना है घर पे। अब मैं नहीं रुकूंगा कहीं पे, नहीं सीधा सीधा जाना है मुझे अब। नमस्ते नमस्ते, कितना छवा। नमस्ते नमस्ते, ठीक ठाक हो कहीं? मम्मी ओनी आया। नमस्ते मौसी। बस क्या पता बंडे कौन जा रही में बंडे। चल दूल फिर कभी। नमस्कार जी, तुम्हारी गाँव ही छा, ठीक ठाक छो? बस फिर क्या बताओ, चुका पट्टी चुका पट्टी फिर। नमस्ते, पकायल खाना पकायल खाना। ये क्यों होना चा लिपे थपे चलनी भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चला ठीक था। हाँ बस देख रहे हो भाभी जी शर्मा गए। हाँ चला ठीक ठीक से फिर का भी होला। नमस्ते बोटे जी, बस चल चलो बोर्ड और बना छाया फिर का भी होला ठीक था। ओ चला ठीक। नमस्ते नमस्ते, आई गयो छन्यो मड़े। बस धन्यवाद, चलता छ फिर का भी फिर का भी। चुका पट हो गया बिग फैन। थैंक यू। और सर कैसे हो? ले आई मिस्टर लाइक, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना। क्या हुआ भाई, पागल हो गए? आराम से भैया, आराम से। आयुष साहब ले आई पिंड अंशुल अंशुल सॉरी। नमस्ते ठीक ठाक छो? पहचान ले? अरे पहचान में चार दिलो तुम। हुई तो धन्यवाद। डेली दी कना लग दी? हां कना लग दी, बढ़िया लग दी। तू गोडन बोले ना, सब सब बढ़िया लग दी। अच्छा और के नाम बोल दे, जन क्वाडा दई कदल भी दे, मिलते वाक बे के नाम बोल दे। अरे एरोल भी देख, कद का जगह बढ़िया घूमने आने दे मुरे ने होने। हां ना ना बढ़िया गो तो जय गो गा वही गो बने लिया। अच्छा बने था वीडियो मां। धन्यवाद धन्यवाद। मिस भारती भीतर जब मिस भारती जब वीडियो के बनाए वो दिन देख मिला पर बुआरी भीतर। अच्छा भारती जी, हां हां पता छ। हां हां मैं पता, भारती दीदी हुई हमर। अच्छा तो हमर भारती को फारस हो। अच्छा तो वही भीतर जब तू गए के सही या मुंगेर दर सी तेरी या क्या मैं हुआ दिन देख भारती भीतर। अच्छा लास्ट को बेटल देखा हालने ते सही बात है। अति दीदी नो नाम क्या है भाई? सारू सारू छा मेरी नाम संजना सारू। तो फाइनली मैं भी लोधली से पहुंच चुका हूं घर पे और 7 बज चुके हैं। बाकी काफ़ी सारा प्यार मिला मुझे लोधली गांव जाके। एक दादी जी हैं ताई जी, क्या बोलूँ मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, ताई जी बोलता हूँ। तो ताई जी तो मेरा ब्लॉग डेली देखते हैं, तो उन्हें मेरे ब्लॉग काफ़ी अच्छे लगते हैं, मेरी खूब तारीफ़ कर रहे थे। तो ताई जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे, एक दीदी जी और ताई जी, उन्होंने मुझे ककड़ी दी थी, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। उस टाइम में जल्दीबाजी में आप लोगों के लिए थैंक यू नहीं बोल पाया, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ और मम्मी लोगों से भी मिलाते हैं आपको हाथ मुंह धोने के बाद। तो ये देखिए मेरे हाथ में है ककड़ियाँ, तो मम्मी का रिएक्शन भी देखते हैं, इन ककड़ियों को देख के क्या रिएक्शन रहता है, अभी आपको कैप्चर करके बताते हैं। मम्मी का रिएक्शन देखो भाई। लो पकड़ो। अरे वाह, हमारी तो बेल हैवी नहीं, पर हमने ककड़ी बहुत खा ली साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जिसने भी हमारे लिए ककड़ी दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हर साल ऐसी ककड़ी होती रही और हमारे को देते रहे हो बेचारे। सही बात है। तो ये हमारी सोनी दीदी ने भी दी है। किसने? सोनी दीदी ने दी, दो ताई जी और सोनी दीदी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। और दो उन्होंने दी है, संगीता भाभी की मामी जी ने। अच्छा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो 4 ककड़ियाँ आई हैं,
तो अरे एक मुझे एरोली से भी मिल गई थी, वो सॉरी बोल रहा हूँ, कहाँ से, बरौली से ताई जी ने दे दी थी, उनका नाम नहीं लिया मैंने। तो पांच ककड़ियाँ तो हमारे पास ऐसी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बाकी पापा लोगों को सैलेड बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है पांच ककड़ियाँ।